आज लस्सीपुरा में एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ हैं 50,000 मेट्रिक टन की। हमने 2200 से शुरू किया, 50,000 मेट्रिक टन की, और 13 13 न्यू एंटरप्रेन्योर्स ने वो बनाई जो डिफरेंट सेक्टर से आए। तो हम चाहते थे कि ये कैसे इसको स्केल अप, अब ये एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन गया है पोस्ट हार्वेस्ट का, और लोग इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। अब सोपोर में भी लोग कर रहे हैं, साउथ में तो ऑलरेडी साउथ कश्मीर में काफ़ी हुआ है, फर्दर साउथ जा रहे हैं जैसे अनंतनाग एरिया वगैरह, उन एरियाज में करने के लिए। तो ये अब सेक्टर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अंदाज़ा जो मेरा है समवेयर बिटवीन 800 to 1000 पीपल इसमें, यंग लड़के इसमें इन्वॉल्व है। कई कंपनीज के साथ वहाँ पे काम करके लगा कि हम कई चीज़ें ठीक कर सकते हैं जिससे ग्रास रूट पे लोगों को फ़ायदा है। तो अफ्रीका एक ऐसा उस वक्त दिमाग में आया कि अफ्रीका में काफ़ी ज़रूरत है इन चीज़ों की, जो हम जिन चीज़ों में मैं वहाँ पे मुलविस था। लेकिन मेरे कई एडवाइज़र्स, मेरे कई कॉन्फिडेंट्स जिनकी बातें हर वक्त मेरे लिए ठीक साबित हुई हैं, तो उनका कहना था कि इंस्टेड ऑफ अफ्रीका आप हम अपने घर में क्यों नहीं ये चीज़ करते हैं। तो उस वक्त दिमाग में आया कि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर मैं जो मैं अफ्रीका में करना चाहता हूँ मैं वो कश्मीर में भी कर सकता हूँ, और फेमिलियर हूँ इस रीजन से क्योंकि बड़ा हूँ यहीं पे। तो फिर थोड़ा सा पायलट रन किया कि जहाँ पे थोड़ा सा पहले अंडरस्टैंड किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम है इस फूड इंडस्ट्री में, फूड चेन में। तो उसके बाद स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर जो कश्मीर का बहुत बड़ा, जिसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी की तरफ भी काफ़ी है, और उससे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि इंगेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोगों का इंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हॉर्टिकल्चर से है। तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ जो पॉपुलेशन है वो इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो इसलिए अगर कोई भी इंटरवेंशन हम करते तो मुझे लगा कि उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है।